तुम्हारे पास है एफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर और ब्रैकेट के अंदर वन प्लस अंडर रूट के अंदर वन प्लस एक्स स्क्वायर, क्या करोगे इसके अंदर? गुड अप्रोच। तुम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो बाय वन माइनस अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, कुछ बचेगा नहीं उसके बाद। ये एक्स स्क्वायर है, ये आ जाएगा वन माइनस अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर और नीचे अपने पास वन प्लस एक्स स्क्वायर और ये जो है वन प्लस अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे इससे तो तुम्हारे पास हो जाएगा वन माइनस वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो कुल मिला के माइनस का एक्स स्क्वायर बचेगा। अब इसमें एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस का साइन ऊपर पहुंचा दोगे तो हो जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, अलग अलग कर दो तो वन अपॉन अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा और माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा। अब ये तुम्हारे पास हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, ये एफ एक्स की वैल्यू हो गई। अब तुम इसके अंदर देखोगे तो तुम्हें बोला एफ ऑफ जीरो की वैल्यू जीरो है, तो एफ ऑफ जीरो निकालोगे तो वो होगा साइन इनवर्स जीरो माइनस टेन इनवर्स जीरो प्लस सी, सब जीरो ही देके रखा है, जीरो इक्वल टू जीरो माइनस जीरो सी, तो सी की वैल्यू जीरो आ जाएगी। तो इससे अगर मैं देखूंगा तो एफ एक्स की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी साइन इनवर्स एक्स माइनस, ओ हो, मेरी गलती है, वन प्लस, अरे इसका पर फॉर्मूला अपन ने डिराइव करा ही नहीं, चलो कर लेंगे डिराइव। वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स की जो वैल्यू होती है तुम्हारे पास वो कितनी होती है, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा पता है तुमको? हाँ अब इसमें तुम एफ ऑफ वन निकालोगे तो वो हो जाएगा लॉग वन प्लस रूट टू माइनस टेन इनवर्स वन, उसको बोल दो, नहीं नहीं साथ में कर ले, एक कर उसको मैंने इदास पकड़ा दिया। हाँ चल जाओ भाई साइड में बैठ के पढ़ लो, चलो भाई क्लियर है इतना, चलो ये फॉर्मूले डिराइव कर लेते हैं यहाँ पर। अब जैसे मेरे पास पहला क्वेश्चन है वन अपॉन अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो क्या होता है कि कुछ बेसिक फंडों का ध्यान रखना है जब अपने को सब्स्टिट्यूशन लगाना है, ठीक है, वेन एवर वी नीड टू अप्लाई सब्स्टिट्यूशन, तो हमें कुछ बेसिक सी चीजों का ध्यान रखना है कि क्या देके रखा होगा तब हम क्या पुट करेंगे। देखो ऐसा है कि तुम उसके बिना भी कर सकते हो, बट उसके बिना करने जाओगे ना तो आधे पगले हो जाओगे, तो ये ट्राइड टेस्टेड वेरीफाइड सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है करो। सब्स्टिट्यूशन बता रहा हूं मैं, फॉर्मूले नहीं बता रहा हूं, हाँ प्रैक्टिस।
अरे देखो, याद करने का तरीका ये है, जैसे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, अब तुमने अगर एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा रख दिया तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, वो ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है। अब ऐसे ही अगर अपन टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 कुछ होता है, तो अपने को ये पता है कि अगर अपने को सब्स्टिट्यूशन करना है कहीं पे कि एक्स की वैल्यू 10 स्क्वायर थीटा लगानी है, तो वहां पर क्या होना चाहिए, प्लस 1 होना चाहिए। तो इसीलिए अगर अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है तो तुम एक्स इक्वल टू कितना रखोगे, ए टेन थीटा रखोगे, ठीक है, तो वो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 10 स्क्वायर थीटा। फिर ऐसे ही अगर तुम्हारे पास है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कुछ होता है, तो जहां पर तुम्हारे पास अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाए या एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ जाए, वहां पर एक्स इक्वल टू सेक थीटा रख देना। ऐसे ही अगर तुम देखोगे कि तुम्हारे पास 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 1 माइनस cos 2 थीटा को अगर मैं देखूं तो मेरे पास कैसा होगा, देखो अगर मेरे पास है 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 1 माइनस cos 2 थीटा, तो ये हो जाएगा 2 cos² थीटा और ये हो जाएगा 2 sin² थीटा, इससे मर जाएगा, ये हो जाएगा cot थीटा का होल स्क्वायर। तो अगर अंडर रूट में 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x है तो x इक्वल टू cos 2 थीटा रखने पे अपना काम चलता है कि नहीं चलता है ना। अगर ऐसे ही अपने पास क्या हो गया, अगर अपने पास कभी आ गया 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, तो आप बोलोगे सर x इक्वल टू 10 थीटा रख देते हैं, तो 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा जो हो जाएगा वो cos 2 थीटा हो जाएगा। तो ऐसी बेसिक ट्रिग्नोमेट्री की अगर आइडेंटिटीज आपको आती हैं तो आप सब्स्टिट्यूशन आराम से कर लेंगे। अब देखो जरा ये सब्स्टिट्यूशन पुट करके, तुम्हें ये सब्स्टिट्यूशन पुट करने हैं और इंटीग्रेशन करना है कुछ बहुत थोड़े से। सबसे पहले इंटीग्रेशन करना 1 अपॉन अंडर रूट a² - x² dx, दूसरा इंटीग्रेशन करना 1 अपॉन अंडर रूट a² + x² dx, तीसरा इंटीग्रेशन करना 1 अपॉन अंडर रूट x² - a² dx। करो ये सारे सब्स्टिट्यूशन पुट करो, ये 3 इंटीग्रेशन करो। पहला करा इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट a² - x² dx, लेट x इक्वल्स टू a साइन थीटा, सो डिफरेंशिएट करेंगे तो x का हो जाएगा dx a
साइन थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा डी थीटा, तो मेरे पास आएगा डीएक्स की जगह पे ए कॉस थीटा डी थीटा, और नीचे अंडर दी रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दिस विल गिव अस ए कॉस थीटा डी थीटा, और यहाँ पर ए स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा, बचेगा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, जो अगेन रूट के बाहर आके कॉस थीटा हो जाएगा, पूरा कैंसिल हो जाएगा, और ये इंटीग्रेशन डी थीटा बचेगा। अब अगर आप इसके अंदर देखोगे तो डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा प्लस, और आपने क्या करा था एक्स इक्वल्स टू ए साइन थीटा रखा था, तो साइन थीटा आपके पास है एक्स अपॉन ए, तो थीटा है आपके पास साइन इनवर्स एक्स अपॉन, तो आपका इंटीग्रेशन हो गया साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए आए समझ में बच्चों पहला। दूसरा वाला है मेरे पास इंटीग्रेशन वन अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो मैंने बोला एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा रख देते हैं, सो डी एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होता है कोई मत, तो टेन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो तुम्हारे पास ये हो जाएगा ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और ए स्क्वायर रूट के बाहर आके ए वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, उसका रूट निकालेंगे तो सेक थीटा, इससे बढ़ जाएगा इससे बढ़ जाएगा, तो sec थीटा का इंटीग्रेशन अपने को पता है log of sec थीटा प्लस प्लस c। अब इससे अगर अपन देखेंगे तो मेरे पास tan थीटा की वैल्यू कितनी है x अपॉन a, आप sec थीटा निकालोगे वो होता है अंडर रूट वन प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो sec थीटा हो जाएगा अंडर रूट वन प्लस x स्क्वायर बाय a स्क्वायर, LCM ले लेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अपॉन ए रूट के बाहर आके, तो ये हो जाएगा लॉग एक्स अपॉन ए प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस सी। अब जो डिनोमिनेटर के अंदर ए है हमारे पास, तो अपन इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ना, तो एक कांस्टेंट में कुछ सी वन लिख लेता हूँ, तो सी वन और ये भी कांस्टेंट है, तो एक नया कांस्टेंट हो जाएगा सी। कितने लोग कर पाए थे सेकंड वाले को, छापो छापो चलो नोट कर लिया।
sec थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होता है? बाहर हो जा फटाफट से, उठ के बाहर हो जा फटाफट से, उठ के बाहर हो जा फटाफट से, उठ के। सामने कौन बैठा है? दोनों बाहर हो जाओ। एक और बार बोलूं क्या? एक और बार बोलूं? कितने लोग इसको कर पाए थे? अगेन वही करेंगे, x इक्वल टू a sec थीटा रखेंगे अपन और आंसर आ जाएगा। करो, नोट करो, मुफद्दल आया समझ में? बस वो सब्स्टिट्यूशन का ध्यान देना। देखो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर तो x इक्वल टू a tan थीटा लगा दो, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर तो x इक्वल टू a sin थीटा, और x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर तो x इक्वल टू a tan थीटा। हो जाएगा, हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा। हाँ चालू हो रही है थोड़ी देर, वो शीट दिए वो करनी है तब। करो ये क्वेश्चन,
एक बार में डिसाइड करके बता दे। चलो भाई करते हैं इसको। धीरे से, ये तो अगली बार क्वेश्चन सॉल्व करके बोलेगा। देखो भाई मैं क्या करता है, इसको मैं देखता कि चार ऑप्शंस क्या है। चार ऑप्शंस के अंदर मेरे को ऐसा दिख रहा है कि टेन इनवर्स के अंदर कुछ जा रहा है, टेन इनवर्स के अंदर जा रहा है। तो मैंने बोला यार अगर अपन देखेंगे तो टेन इनवर्स एक्स तो तब बनता जब, देखो डिफरेंशिएशन करके देख लो ना। अब टेन इनवर्स एक्स है तो उसको डिफरेंशिएट करेंगे, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर चाहिए। तो अगर अपने पास यहाँ पर टेन इनवर्स रूट एक्स हो रहा है तो उससे अपना काम हो रहा है। तो मैंने बोला सबसे पहले स्टेप में क्या करो, लेट रूट एक्स इक्वल टू टी रख दो या एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर रख दो। डिफरेंशिएट करोगे तो डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी टू टी डी टी। अब इसको सब्सटीट्यूट कर दो, रूट एक्स की जगह पे टी, डी एक्स की जगह पे टू टी डी टी, और डिनोमिनेटर में वन प्लस एक्स मतलब एक्स हो जाएगा टी स्क्वायर। अब ये बड़ा ही आसान सा हो गया, टू बार आ जाएगा, बचेगा टी स्क्वायर डी टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर। अब न्यूमरेटर में क्या करो, एड एंड सब्ट्रैक्ट वन कर दो, तो तुम्हारे पास आ जाएगा टू टी स्क्वायर प्लस वन माइनस वन अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर डी टी। सो टू वन माइनस वन प्लस टी स्क्वायर डी टी हो जाएगा। आप इसको करोगे तो वन का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा टी माइनस टेन इनवर्स टी प्लस सी, और टी कितना है अपने पास रूट एक्स। तो मेरे पास कुल मिला के आ जाएगा टू रूट एक्स माइनस टेन इनवर्स रूट एक्स प्लस सी। तो ये बड़ा आसान सा आंसर हो गया बी वाला। एक्स को क्या रखें, अगर एक्स इक्वल्स टू टेन थीटा रख, टेन स्क्वायर डिफरेंशिएट करेंगे डी एक्स हो जाएगा टू टेन थीटा, और टेन थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, जो हमारी गुड़िया ने करा ही नहीं। नहीं ये गलत लिखा उसने, उसने डी एक्स में गलती करी है। अब इसके लिए थोड़ी मेरे को कॉपी देखनी पड़ेगी कि विदुषी कहाँ गलती करेगी। बहुत मेहनत, वो एक्चुअल में डीएक्स रिप्लेस हो जाएगा पर वो थोड़ी सी मेहनत लग जाएगी, टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे और उतनी मेहनत थोड़ी करेंगे अपन। करो अच्छा अगला।
कर दिया कर दिया कर दिया कर दिया, माफ कर दिया। चलो भाई करें। चलो क्या करेंगे अपन, अपन ने बोला कि सबसे पहले अगर अपन इसको देखें तो ये e की पावर में log ऑफ x क्यूब हो जाएगा और अपॉन में x टू दी पावर 4+1 dx, और अपने को पता है a की पावर log m टू द बेस a m होता है, तो ये कुल मिला के हो जाएगा x क्यूब अपॉन 1+x टू दी पावर 4 dx। अब क्योंकि अपने पास x की पावर 4 को डिफरेंशिएट करेंगे तो x क्यूब वाला आइटम बनना है, तो लेट 1+x^4 = t, सो 4x³dx = dt, सो मेरे पास हो जाएगा x³dx = dt/4, तो मेरा इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/4 भाग और ये 1/t, सो 1/4 log t + c, और t है अपने पास 1+x^4। आया बच्चों जितने लोग घर बैठे हो? एक और बार बता देते हैं, देखो मेरे पास था e की पावर में 3 log x, तो अपने को पता है पावर ऊपर चल जाती है, तो वो हो जाएगा e टू दी पावर log x क्यूब, और डिनोमिनेटर में चल जाएगा 1+x^4, क्योंकि 1+x^4 जो है वो हमारे पास कितना है, पावर में -1 है। अब क्योंकि x^4 है तो x^4 वाला टर्म है, तो अगर मैं 1+x^4 को डिफरेंशिएट करता हूँ तो मेरे पास हो जाएगा 4x³dx = dt, तो उससे आ जाएगा x³dx = dt/4। अभी आया क्या समझ में?
करो। अच्छा अगला, चलो भाई क्या करेंगे इसके अंदर, नहीं हुआ अभी तक। अरे जिसकी शक्ल अच्छी नहीं है उसको बस जीवन का एक ही नियम लगा दो, जिसकी शक्ल अच्छी नहीं लगे अपने को कि ये नहीं जम रही है, उसके बदले किसी और को पटक दो। तो 1 + x³ = t, सो 3x² dx हो जाएगा dt, तो x² dx हो जाएगा dt/3। अब न्यूमरेटर में x^5 था, dx हो जाएगा मेरे पास x^5 में से x² और x³ ऐसा कर लेते हैं, तो x³ बचेगा क्योंकि x² dx तो मेरे पास कितना हो गया, वो हो गया dt/3, और डिनोमिनेटर के अंदर √t, और x³ खुद कितना हो गया, x³ हो गया t-1, 1/3 बाहर आ गया, बचेगा मेरे पास t-1/√t dt, सो 1/3 बाहर आ गया, ये बचेगा t^(1/2) माइनस t^-1/2 dt, तो ये हो जाएगा 1/3 t^(1/2) का इंटीग्रेशन t^(3/2)/3/2 माइनस t^(1/2)/1/2 प्लस c, तो आपके पास कुल मिला के 2 बाहर आ जाएगा, so that will give you t^(3/2)/3 minus t^(1/2) plus c। अब इस पूरे के अंदर से t^(1/2) कॉमन निकाल लो, तो आएगा t/3 - 1
प्लस सी, और टी कितना था अपने पास, वन प्लस एक्स क्यूब था, तो मेरे पास आएगा टू बाय थ्री वन प्लस एक्स क्यूब का रूट, और यहाँ पर आ जाएगा वन प्लस एक्स क्यूब बाय थ्री माइनस वन, ऐसा आएगा कि नहीं आएगा, तो इससे मेरे पास तो आंसर कौन सा आएगा अपने पास, डी वाला आंसर आएगा भाई, छाप लो। बेटा ढूंढ लेना कहाँ पे गलती करी है, छापो बच्चों छापो छापो छापो। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं भाई, करो फटाफट से।
नियम है कि नियम है जिसकी शकल अच्छी नहीं है उसको सब्स्टिट्यूट करना है। तो मेरे पास यहाँ पर रूट के अंदर टेन एक्स है, बाकी दोनों टर्म रूट के अंदर, तो क्या करो तुम टेन एक्स को टी भी रख सकते हो और टेन एक्स को टी स्क्वायर भी रख सकते हो। टी स्क्वायर रखने से और फायदा ये हो जाएगा कि रूट के अंदर टी स्क्वायर हो जाएगा तो रूट वाला भी टर्म नहीं बचेगा। क्लियर है? तो अगर तुमने क्या करा, अपन रखते हैं टेन एक्स को टी, डिफ्रेंशिएट करेंगे टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन, ऐसा हो जाएगा तो डी एक्स हो जाएगा मेरे पास टू टी अपॉन सेक स्क्वायर एक्स डी टी। अब मेरे पास जो इंटीग्रेशन था उसमें न्यूमरेटर में टेन एक्स था, डी एक्स की जगह पे हो जाएगा टू टी अपॉन सेक स्क्वायर एक्स और नीचे साइन एक्स कॉस एक्स, सही सही। अब एक कॉस एक्स इंटू सेक एक्स कैंसल हो गया और सेक एक्स को मैं वन अपॉन कॉस एक्स लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स और डी टी, तो ये टू बार टी स्क्वायर अपॉन टेन एक्स डी टी, क्योंकि इंटीग्रेशन अब मुझे टी के रिस्पेक्ट में ही करना है, डी टी लिखा है तो टेन एक्स की वैल्यू कितनी है टी स्क्वायर, उसको फिर से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो मेरे पास हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर डी टी, तो ये हो जाएगा टू टी प्लस टी, वन बचेगा वन का इंटीग्रेशन टी, और ये हो जाएगा टू टी कितना है टी, करो भाई बोर्ड वालों का हॉट फेवरेट है, स्कूल वाले बहुत खुशी खुशी पूछते हैं। करो अगला, चलो भाई क्या करेंगे, एक बी आया है एक डी आया, और कोई एक आंसर एक मिनट आया है। करने देगा उसको, अरे उसको करने दे बीच में को।
देखो अपने पास क्या हो जाएगा, अपने पास एक्स इक्वल्स टू कॉस थीटा रख सकते हो तुम, है ना, कॉस टू थीटा रख लो, तो तुम्हारे पास डीएक्स हो जाएगा माइनस साइन टू थीटा इंटू टू और डी थीटा, तो ये 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा का रूट, और डीएक्स की जगह पे माइनस टू साइन टू थीटा डी थीटा, तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो वो हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और साइन 2 थीटा को लिख सकते हो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 को बाहर निकाल लो, -2 बाहर आ गया, तो ये बचेगा साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, या माइनस इधर 2, तो तुम्हारे पास एक 2 बार और 2 साइन स्क्वायर थीटा को लिख लेंगे 1 माइनस कॉस 2 थीटा, तो ये ऐसा हो जाएगा, इससे तुम्हारे पास आ जाएगा -2, इंटीग्रेट कर देना, 1 का थीटा cos 2 थीटा का हो जाएगा sin 2 थीटा अपॉन 2। अब तुम्हारे पास कितना है, cos 2 थीटा को एक्स रखा था अपन ने, तो थीटा हो जाएगा 1/2 cos 1x, और sin 2 थीटा हो जाएगा 1 माइनस x2। माइनस का साइन अंदर पहुंचा देना, जी तो तुम्हारे पास अच्छा साइन इनवर्स एक्स लिखा है क्या, तो कोई बात नहीं, कॉस इनवर्स एक्स को तुम 5/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स ऐसा लिख लो, तो ये कांस्टेंट कांस्टेंट नया कांस्टेंट हो जाएगा, हाँ तो 1 माइनस एक्स बनता, बिल्कुल कर सकते हैं, दूसरा तरीका था तुम ऐसा कर देते, रेशनलाइज कर दो, मतलब ये मल्टीप्लाई कर दो 1 माइनस एक्स से और डिवाइड भी कर दो, तो तुम्हारे पास ये 1 माइनस एक्स और ये √1 माइनस x2 dx, अलग अलग कर दोगे तो 1 अपॉन √1 माइनस x2 माइनस एक्स अपॉन √1 माइनस x, ये डायरेक्टली तुम्हारे पास हो जाएगा sin 1x, बच इंटीग्रेशन इसका इस वाले के अंदर पुट 1 माइनस x2 इक्वल टू t, सो 2xdx इक्वल टू -dt, तो xdx जो हो जाएगा, ये साइन इनवर्स x तो आ ही गया था, तो xdx हो जाएगा -1/2, तो -(-)+1/2, और इधर अपने पास क्या हो गया, एक्स डी एक्स की जगह पे डी टी हो गया, और ये √t मतलब t की पावर -1/2, ये ऊपर चल जाएगा t की पावर +1/2 अपॉन में 1/2, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो वो साइन इनवर्स एक्स प्लस 2t + c बचेगा, और t कितना है अपने पास,
काट लो भाई इसको भी। नेक्स्ट टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में। क्या एक काम करो, उनको एक क्वेश्चन करो पहले। करो इसको।